हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे बड़े सबको पसंद आती है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए इजी क्विक रेसिपीज लाने के लिए जो आप जल्दी से और इजी वे से बना सके। और आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह आप मुझे कमेंट्स दीजिए और आपके सुझाव जरूर दीजिए। चलिए अब हम बनाएंगे। ईद आ रही है, ईद के अवसर पर मैं आज आपके लिए शीर कुरमा बनाऊंगी जो बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। और कुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क है ये, 1 कप सेवई भुनी हुई, आप कच्ची भी ले सकते हैं, 4 टेबलस्पून घी, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 4 टेबलस्पून शक्कर, 20 बादाम मैंने रात को भिगो दिए थे और इसे स्लाइस किया है पील करके, 10 खजूर सीडलेस हैं, 20 काजू इसे भी मैंने भिगो दिया था आधा घंटा, उसे भी बारीक काट लिया है, पिस्ता इसे भी आधा घंटा भिगो दिया था, इसे भी बारीक काट लिया है, 20 किशमिश, 2 टेबलस्पून चिरौंजी, केसर 15-20 धागे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। चलिए अब हम शुरू करते हैं शीर कुरमा बनाने के लिए। सबसे पहले आप गैस ऑन कर दीजिए, पैन गरम होने दीजिए। अब आप इसमें 2 टेबलस्पून बड़े चम्मच घी के डाल दीजिए। अब आप इसमें, घी गरम हो चुका है, बादाम, काजू, सबको भूनना है, हल्का सा ब्राउन करना है, पिस्ते, चिरौंजी, किशमिश, से अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है, किशमिश भी फूल चुकी है। अगर आप चाहें तो किशमिश बाद में भी भून सकते हैं, अभी इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आप सेवई भून लीजिए इसी पैन में, और घी भी है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये मैंने भुनी हुई सेवई ली है, और फ्लेम एकदम लो रखी है, इसे सिर्फ 2 मिनट हमें भूनना है। कच्ची सेवई को ज़्यादा टाइम लगता है, आप चाहें तो वो भी ले सकती हैं। अब इसे 2 मिनट हो चुके हैं, इसे भी आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी पैन में आप दूध डाल दीजिए, दूध को एक बॉयल आने दीजिए, तब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध बॉयल हो रहा है, और इसमें अब आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। अब आप देखिए मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है। अब इसमें आप मिल्क पाउडर से, ये जल्दी थिक होता है, जैसे आप मावा भी डालते हैं इसमें, कोई कंडेंस मिल्क डालता है, वही टेस्ट इसमें मिल्क पाउडर से आता है। अब आप इसमें खजूर डाल दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो खजूर भी भून सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे अब आप 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। अब आप देख सकते हैं दूध भी गाढ़ा हो चुका है, मिल्क पाउडर डालने से दूध जल्दी गाढ़ा होता है, साइड से भी आप निकालते रहिए। अब इसमें हम
ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा आप गार्निश के लिए रख दीजिए, बाकी डाल दीजिए। इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। शीर कुर्मा ज़्यादा ईद में ही बनाया जाता है और इससे ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत डलते हैं। आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं बारीक काट के। इसे 2 मिनट पकने दीजिए। अब इसमें आप सेवई डाल दीजिए। मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला था, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब आप इसमें, मैंने केसर थोड़ा दूध डाल के भिगो दिया था, अब इसे डाल दीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मिक्स कीजिए। इलायची पाउडर, शक्कर लास्ट में डालिए। मैंने 4 टेबलस्पून ली, आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए। अभी इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब इसे आप 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दीजिए, आपकी सेवइयाँ भी पक जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये बन चुका है, काफ़ी थिक भी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ईद आ रही है, ईद के दिन आप ज़रूर बनाइए। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं केसर डालने से कितना अच्छा है, आप और केसर डाल दीजिए। और मैंने शक्कर 4 टेबलस्पून डाली थी, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो और डाल सकते हैं। अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए, एक बाउल में निकाल लीजिए। अब आप इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। ये आप 6 जनों को सर्व कर सकते हैं। अब आपका शीर कुर्मा बन चुका है, अब इस पे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। और इसका कलर भी आप देखिए कितना प्यारा आया है। अब आपका शीर कुर्मा बन चुका है, इसे ईद के दिन आप जरूर बनाइए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।